आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मसाला चिकन। इसके लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, आप चिकन ले लें, करीब ये 500 ग्राम है, अनियन कटा हुआ जो प्याज होते हैं, सरसों का तेल, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, हरी मिर्च थोड़ा सा कतरन, दो तीन तेज पत्ते, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। चलिए बना लिए। पहले गैस चला लें, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दें। जब कढ़ाई गर्म हो जाए आपका, उसके बाद आप डाल दें सरसों तेल। क्योंकि ये मसाला चिकन है तो इसलिए तेल थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा। तेल को गर्म होने दें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल मेरी गर्म हो चुकी है, पहले ये तेज पत्ते डाल देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अनियन। क्योंकि ये मसाला फ्राइड चिकन है तो प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आप ऑयल कम खाते हो तो आप यहाँ पर ऑयल की कंसेंट जो माप है उसको थोड़ा कम ज़्यादा कर भी सकते हैं आपके हिसाब से। इसको हल्का सा भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा नरम नहीं पड़ जाता। आप देख सकते हैं प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। और इस स्टेज पे हम लोग इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और अदरक, अदरक का पेस्ट दोनों, और इसको अच्छे से मिला के फिर भुनेंगे। जैसे ही लहसुन का कच्चापन थोड़ा चले जाएगा, इसमें हम लोग जो ड्राई मसाले हैं वो सारे ऐड करेंगे। देख सकते हैं दोनों हो चुके हैं, लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम लोग ड्राई जो पाउडर है अपने पास वो सारे ऐड करेंगे। पहले सबसे पहले डाल देंगे हम लोग जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची, मिर्ची आप उतना ही यूज़ करें जितना तीखा खाते हैं, हल्दी और थोड़ा नमक। नमक हम अभी थोड़ा ही ऐड करेंगे, बाद में नमक को चेक करके फिर बाद में अगर ज़रूरत होगा तो बाकी का नमक ऐड करेंगे। अब इसको भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा जो हम लोगों ने हरी मिर्च का पेस्ट रखा हुआ वो ऐड करेंगे। मिर्ची आप समझ के इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी जा रहा है, साथ में ड्राई लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी गया है, तो थोड़ा सा मिर्ची देख के उसके बाद ही यूज़ करें। इसको अच्छे से भूनेंगे चिकन के साथ। अच्छे से ऑयल से भूनने लगा है बाजू से और बिल्कुल निकलने लग गए हैं। अब ऐसे ही आप इसको चलाते हुए बार बार थोड़ा सा घुमा दें और थोड़ी थोड़ी देर से आप इसको ऐसे ही फ्राई करते रहें। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसको फिर से एक बार पलट लेंगे। अब किस स्टेज पे आपको एक सिगरेट दिखाती हूँ। हल्का सा कसूरी मेथी आप इसमें क्रश करके इस समय डाल दें जब ये चिकन 50% फ्राई हो चुके हो, और साथ में एक पिंच आप गरम जो हींग होती है उसका डालें, जस्ट 1 पिंच हींग, और इसको अच्छे से मिला लें। 2 मिनट तक फिर फ्राई करें इसको।
ये हो चुके हैं और कसूरी मेथी भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हल्का सा पानी, सिर्फ चिकन को कुक होने के लिए जितना चाहिए, क्योंकि इसमें हमको ग्रेवी बिल्कुल नहीं चाहिए। मसाला चिकन है, बिल्कुल लटपट बनेगी, इसके लिए आप उतना ही पानी डालें बस चिकन को पकने के लिए जितना पानी के रिक्वायरमेंट है। और इसको उठा देख सकते हैं, करीब करीब चिकन पक चुका है। आप थोड़ा सा एक पीस निकाल के दबा के देख ले। अब देखिए इस स्टेज पे आप इस पे डाल दें थोड़ा सा धनिया पत्ता और गरम मसाला और इसमें अच्छे से मिला लें। अब देख सकते हैं आपकी मसाला चिकन बनके तैयार है। अब इसको निकाल के और परोस लो। बनके तैयार है आपके मसाला चिकन। इसको आप ऐसे रोटी या पराठे के साथ या फिर चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।